सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 5 रुपए 15 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 2% से भी ऊपर की गिरावट दिखा चुका है। स्टॉक करंट लेवल पर 244 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहां पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक के अंदर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां पर ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक के अंदर नीचे का एक बॉटम बन चुका है 214 रुपीज का। 214 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक बॉटम बनाया और निचले लेवल पर स्टॉक के अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, जहां पर ऊपर में स्टॉक में एक रुकावट रेंज है 255 रुपीज पर। 255 रुपीज पर स्टॉक के अंदर एक रुकावट रेंज है। जब तक स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग नहीं लेता, स्टॉक के अंदर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेगा। ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 255 रुपीज के प्राइस को स्टॉक ने पहले भी रिटेस्ट किया था, पर ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक करेक्शन देखने को मिली है। और स्टॉक नीचे में 214 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन देता है तो वहां पर स्टॉक के अंदर फिर से एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। पर अभी स्टॉक करंट लेवल से काफी ऊपर ट्रेड कर रहेगा, यानी लो देखें तो स्टॉक का 214 रुपीज का है, अभी स्टॉक 244 रुपीज के पास ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में 235 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस ट्रेड करें और ऊपर के टारगेट 295 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। बस इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर स्टॉक नीचे में 235 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन देता है तो नीचे का 214 रुपीज तक के प्राइस को रिटेस्ट कर सकता है, जहां पर स्टॉक का एक लो है और यहीं से स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल ट्रेंड भी बनता हुआ नजर आया। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।